आज मैं आपको कैश फ्लो के एक ऐसे टिप्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे कैश फ्लो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि अगर एग्ज़ाम में कैश फ्लो का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो कैश फ्लो के में हमें तीन अकाउंट बनाने होते हैं। जनरली उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को पूछा जाता है, मशीनरी बिल्डिंग या कोई प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला जाता है, और तीसरा हमसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने को कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है अकाउंट्स बनाते टाइम, जिसमें वो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे करें, बाय बैलेंस बीडी करें या टू बैलेंस बीडी करें, टू बैलेंस बीडी करें या बाय बैलेंस बीडी करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि सर बीडी डेबिट में आएगा या सर बीडी क्रेडिट साइड में आएगा। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आपका कैश फ्लो में बनाने वाले लेजर कभी भी गलत नहीं होंगे, और केवल क्लास 12th ही नहीं, आपके फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपके सारे लेजर सारे अकाउंट्स हमेशा ठीक बनेंगे। तो बच्चों अकाउंट्स बनाते टाइम आप हमेशा ध्यान रखना आपका अकाउंट किस नेचर का है। मींस आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं या बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं या प्लांट मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको मालूम है मशीनरी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये तीनों हमारी एसेट्स होती है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारी एसेट्स डेबिट होती है। आपको क्लास 11 में बताया होगा ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में मशीन अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट प्लांट मशीनरी अकाउंट या फिर कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाने को आ जाए तो उसका बीडी डेबिट साइड में होगा, क्योंकि जो हमारी एसेट्स होती है वो डेबिट होती है, इसलिए इसका बीडी भी डेबिट साइड में आएगा और सीडी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड अकाउंट की, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब आपको मालूम है कि जो प्रोविजन होता है वो हमारी लायबिलिटीज होती है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती है। ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल द लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। इट्स मींस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाए तो उसका बीडी क्रेडिट साइड में आएगा और सीडी डेबिट साइड में पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा एक लायबिलिटीज होती है, और सेम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारी लायबिलिटीज होगी और ये क्रेडिट नेचर की होती है, इसलिए जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसका बीडी भी क्रेडिट साइड में आएगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन और आपको इसका आंसर देना होगा मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर एग्जाम में ये पूछे कि कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का अकाउंट बना रहे हो तो उसका बीडी डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा, आप मुझे इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए।